कुंजीलाल मीणा ने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे माइनिंग में, उन्होंने मना कर दिया कि काम नहीं हो सकता, ये इल्लीगल है। और उसके बाद में उन्होंने कुंजीलाल और गौरव गोयल दोनों के मना करने के बाद अजिताभ शर्मा जो है उनसे लेके और वो फाइल वो वहां से सैंक्शन करवा के उस खान को वापस चलवाया गया। तो ये सीधा सीधा ये इस डायरी के अंदर सारा लिखा हुआ है किस तरीके से कितनी बार जो पूरा दे रखा है। इसके अंदर मैं आपको पन्ने ही दे देता हूं इसके किस तरीके से इन्होंने ये खान को पहले बंद करवाया गया, फिर उसको किस तरीके से इस खान को फिर वापस चलवाया गया, ये पूरा का पूरा आपके पास। और इसके अलावा वैभव गहलोत कह रहा है कि ये सरकार रिपीट नहीं हो सकती। मैं दालिक के दे सकता हूं कि मेरे पापा कभी भी सरकार रिपीट नहीं कर सकते। राजेंद्र गुड्डा नहीं कह रहा है, कोई पार्टी नहीं करी है, मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र जो जोधपुर से कांग्रेस के कैंडिडेट रहे हैं और जो कांग्रेस के प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी है, ये वैभव गहलोत कह रहे हैं ये इसके अंदर सारा का सारा। और किस तरीके से अनैतिक तरीके से पीआर मीणा को फायदा पहुंचाया गया सचिन पायलट खेमे से तोड़ के और अपने खेमे में जोड़ने के लिए। कितनी बार ये कुंजीलाल मीणा जी से बात हुई, कितनी बार गौरव गोयल से बात हुई, उन्होंने बार बार कहने के बाद भी जब वो काम नहीं किया तो फिर जाके और अजिताभ जी से वो काम उन्होंने करवाया, वो खान को चलवाई, वो इल्लीगल थी। और ये सारा का सारा और पन्ने में आपको जारी कर दूंगा। गहलोत साहब आ रहे हैं उदयपुर वाटी तो उनका वेलकम कर रहा हूँ। अब गहलोत साहब उसके बाद भी चमरा हो रहेंगे मेरे यहाँ, उसके बाद ये दो चार पन्ने हो रहेंगे और अच्छे वाले, फिर उसके बाद हो रहेंगे। राजस्थान में किस तरीके से इन्होंने विधायकों को पार्लियामेंट मेंबर्स को राज्यसभा के अंदर वोट देने के लिए जो खरीद फरोख्त थी और आरसीए के जो चुनाव थे क्रिकेट के अंदर, उसमें किस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार किया, वो पन्ने मैंने पहले भी रिलीज किए थे, जांच करवा लेते उसकी। ये कह रहे कि लाल डायरी में कुछ भी नहीं है, तो इसकी जांच करा लो, हैंडराइटिंग करा लो, इन्वेस्टिगेशन कर लो, कहां दिक्कत है, मैं तैयार हूं कभी भी। मैं तो इसको टेबल करना चाह रहा था, इन्होंने मेरे से छीन भी लिया एक पार्ट इसका। चुनाव तो मैं तो पहले से कर रहा हूँ, तो विधानसभा के अंदर मुझे बर्खास्त किया उसी टाइम से, मैं तो उस टाइम में बोल रहा था, मैं तो हाउस के अंदर रखा था, डायरी मेरे से छीनी गई थी, ये तो सबको पता है। देखिए जब ये लगेगा कि जो जांच एजेंसियां मुख्यमंत्री जी ने मेरे मुकदमे लगाए, मुख्यमंत्री जी ने पुलिस का, एसओजी का, सीआईडी का जम के दुरुपयोग किया, और एक तरफ ये कहते हैं कि हम बीजेपी ईडी का दुरुपयोग कर रही है, वो कर रही है, ए, खुद क्या कर रहे हैं, सीएम साहब क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग नहीं है क्या? पिपाड़ में कोई मुकदमा हुआ किसी का, राजेंद्र गुड्डा के पास नोटिस आते हैं, किस चीज का नोटिस है? 100 बार कह दिया गिरफ्तार कर लो, क्यों नहीं किया, किस चीज का नोटिस है? अब ये कांग्रेस है तो उनसे पूछो, कांग्रेस वालों से क्यों नहीं कर रहे? देखिए गहलोत साहब ने तो 2003 में रिपीट कर पाए, न 2013 में रिपीट कराए, न 2023 में रिपीट का लेना देना ही नहीं है। गहलोत साहब मैनेजमेंट के माहिर आदमी है, गोटी अच्छी फिट कर लेते हैं, और ये कहते हैं जननायक है, लोकप्रिय जननायक। तो आपको बताऊं, सरदारपुरा से चुनाव लड़ते, दूसरी जगह सैनी बहुल्य क्षेत्र है माली बहुल्य, और कहीं जहां माली नहीं हो सैनी, वहां से चुनाव लड़के देखे तो पता चल जाए गहलोत साहब को कितने के लोकप्रिय है। तीन बार के मुख्यमंत्री है, तीन बार के नॉन सैनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, नॉन माली कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ ले, पता चल जाए लोकप्रियता का। राजेंद्र गुड्डा जहां से चुनाव लड़ता है, पार्टी नहीं है, जाति बड़ी जाति नहीं है, मेरी तरह चुनाव लड़के बताए, रिपीट होगा आपको बता रहा हूं, होगा वो सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा आपको। 3 तारीख के काउंटी होंगे कि दूध का दूध पानी का पानी जनता कर देगी, पब्लिक है सब जानती है।